विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। 102 मीटर ऊंचा ट्विन टावर हुआ जमींदोज, सुरक्षा घेरे के बीच 15 सेकंड से भी कम समय में ताश के पत्ते की तरह ढह गया ट्विन टावर। गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी को झटका देने की तैयारी में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति का ऐलान। संगठन के लोग भी लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी की तेज होगी घेराबंदी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, पूछा सवाल, बिल्किस बानो के गुनाहगारों का सत्कार, क्या यही है बीजेपी की हिंदू संस्कृति। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक, कांग्रेस CWC की बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने वर्चुअली की, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर हुई चर्चा। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस ने आजाद की नई पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम। शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। संसद की नई इमारत का मुख्य ढांचा तैयार, अब अंदर से फिनिशिंग के काम पर जोर, टाटा प्रोजेक्ट्स के CEO और मैनेजमेंट डायरेक्टर विनायक पई ने दी जानकारी। दशहरा रैली को लेकर शिवसेना और शिंदे गुट आमने सामने, आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर लगाया बड़ा आरोप, कहा अधिकारी नहीं दे रहे रैली के लिए परमिशन। विवादित बयान देने वालों की खैर नहीं, चुन चुन कर हो रही है गिरफ्तारियां, ओवैसी ने की हैदराबाद पुलिस से अपील, विवादित टिप्पणी करने वालों को ना बख्शा जाए। बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र के बीच ट्रेंड हुआ वी लव आलिया भट्ट, हिट होगी फिल्म ब्रह्मास्त्र, 9 सितंबर को होगी रिलीज।